नमस्कार दोस्तों, रेसिपी फॉर ऑल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया है रसगुल्ला। ये बहुत ही जूसी और स्पॉन्जी बनी है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने आधा लीटर दूध गर्म करने के लिए रखा है। जब दूध में उबाल आ जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें तुरंत ही हम विनेगर या नींबू नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा सॉफ्ट छेना चाहिए, तो इसे हम रूम टेम्परेचर पर हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए उतना काफ़ी होगा। अब हम इसमें सिरका डालेंगे। मैंने इसमें 2 चम्मच सिरका डाला है। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसे हल्का सा हम हिला देंगे और अब दूध के फटने का इंतज़ार करेंगे। थोड़ी ही देर में ये देखिए अलग हो रहा है, थक्का थक्का सा दिख रहा है। थोड़ी देर और हम इंतज़ार करेंगे। अब यह और अच्छे से फट गया है। अब हम इसे छान लेंगे। इसमें से पानी हमें अच्छे से निकाल लेना होगा। पहले तो हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालकर इसे छान लेंगे, जिससे कि नींबू या विनेगर आपने जो भी यूज़ किया है उसका खट्टापन निकल जाएगा। अब हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक पानी निकल जाए। ध्यान रहे कि इसमें पानी एकदम नहीं रहना चाहिए, वरना हमारे रसगुल्ले जब हम बनाएंगे तब ये फूल कर तो आएंगे लेकिन बाद में पिचक जाते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर कुछ वेट भी रख सकते हैं। मैंने इसे यूं ही 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटे के बाद मैं इसे निकाल कर देख रही हूँ और इस तरीके से हम इसे मसल लेंगे। मसलने में लगभग 8 से 10 मिनट का वक्त लगता है। इसे हम जितने अच्छे से मसलेंगे रसगुल्ले उतने ही स्पॉन्जी होते हैं। देखिए कैसे मैं इसे हथेलियों के पिछले हिस्से से मसल रही हूँ। ऐसे करने से इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। अब इसमें बाइंडिंग आने लगी है। इसका एक डो सा तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर भी आप डाल सकते हैं। एक बार फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छी प्रकार से हमें इसे मसल मसल कर मिलाना है। रसगुल्ले कैसे बनेंगे या डो पर बहुत निर्भर करता है, तो इसलिए हमें डो को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। अब यह तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल निकाल सकते हैं। हमें छोटा छोटा बॉल ही बनाना है, क्योंकि जब हम इसे शुगर सिरप में डालेंगे तो बाद में यह फूल कर बड़े हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने इसके छोटे छोटे बॉल तैयार कर लिए हैं। अब हम शुगर सिरप की तैयारी करेंगे। मैंने 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए रखा है। इसमें 2 इलायची डाले हैं और 1 कप शक्कर। इसे मध्यम आंच पे हम उबलने देंगे। अब इसमें उबाल आ चुका है। अब इसमें एक एक करके हम बॉल को डालेंगे। सभी एक साथ हमें नहीं डालना है।
शुरू में हम इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम में उबलने देंगे। उसके बाद मैंने इसे ढक दिया है। ढक कर मीडियम से लो फ्लेम में 10 मिनट तक मैंने इसे पकाया था। उसके बाद मैं इसे देख रही हूँ और एक बार इसे हम अच्छे से हिला देंगे और ढक कर एक बार फिर मध्यम से धीमी आंच में 10 मिनट के लिए उबलने देंगे। और 10 मिनट हो चुके हैं, गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसके साथ ही हमारे रसगुल्ले तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।